हमारे बीच जितिन बमनानी जी हैं, जो एक बहुत ही प्रख्यात सिंधी एक्टर है, सिंधी फिल्मों में काम करते हैं, वीटीवी प्रोडक्शन में है और आज के युवा हैं, ठीक है, आज की पीढ़ी के युवा हैं जो द लाइट फिल्म देख के आ रहे हैं। जानना चाहेंगे जितिन आपकी इस फिल्म के बारे में क्या रिव्यूज है। पहले तो मैं बता दूं कि जैसे सर ने बताया कि मैं एक टेक्निकल पर्सन हूं, तो उस हिसाब से मैंने ना सिर्फ इसको एज अ स्पिरिचुअलिटी से देखा, बट मैंने इसको एज अ टेक्निकलिटीज भी देखी इसकी, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है इस फिल्म को बनाने के लिए। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इस फिल्म के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा देखने में जो है एक मनोरंजन है, एक अट्रैक्शन है कि अगर कोई कंटिन्यू देखे तो 1.5 घंटा देखते ही रह जाए और वो जो लाइट है वो अपने अंदर फील कर पाए। तो जो नाम दिया गया है और जितनी सारी चीज़ें जो है सब मैच हो रही हैं, और एज अ स्पिरिचुअलिटी मैं बात करूं तो स्पिरिचुअली इतना कनेक्टेड लग रहा था कि जैसे बाबा एग्जैक्टली मेरे सामने बैठे हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छी कनेक्शन थी उस माहौल में, जो कनेक्शन बनी हमारी बाबा के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हमने उनसे कुछ आज चीज़ें सीखी हैं। वैसे तो मैं भी इन सब चीज़ों में मानता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन, ये सारी चीज़ें होती है, और लेकिन आज कुछ अलग ही एक कनेक्शन लग रहा था जब हम थिएटर में बैठे थे, जब वो गाने जो थे वो गीत चल रहे थे, जब उनकी कुछ सीन्स ऐसे थे जो दिल को बहुत ज़्यादा रुहाने वाले थे कि हमने जब उनको देखा तो काफ़ी आनंद आया हमें। धन्यवाद। तो देखिए, बीइंग टेक्निकल पर्सन, इस फिल्म की टेक्निकलिटीज, इसका साउंड, इसके एनिमेशन, जीतन कह रहे हैं कि वो क्या थी, सुपर्ब, बहुत बहुत नंबर वन थी, बहुत awesome। तो यही है, शुजित सरकार का डायरेक्शन है और गॉडलीवुड प्रोडक्शन है, आई रियलिटीज की एनिमेशन है, ये सब मिला के ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है।